हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार आप लोग को हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मैं अपना ब्लॉग्स शूट कर रहा हूं कि खाने में क्या क्या बना है। तो आइए देखते हैं खाने में क्या क्या बना हुआ है। सारा सुविधा यहाँ पे रखा हुआ। दिस इज माई वाइफ, खाना बना रही है। और खाना बनाने के लिए बहुत सारे जरूरत पड़ते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन सबसे मेरा फेवरेट कौन सा जो सब्जी है वो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जिसे चोखा चटनी कहते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये करेला हो गया, और करेला बड़ा मज़ा आता है खाने में। उसके साथ साथ आप देखते हैं ये जो आप देख रहे हैं कटोरा में, ये आप देख रहे हैं, आप इसको भी जानते हैं, ओल हो गया। ये देसी ओल बहुत कम मिलता है, लेकिन हाइब्रिड ओल है। लेकिन देसी ओल खाने में काफ़ी टेस्टिंग होता है। और चटनी और चोखा में सबसे मुझे पसंद है देसी ओल, और इसका भी ओल का चटनी है जो हमें रोटी के साथ साथ खाने में बड़े इंटरेस्टेड और मज़ेदार होता है। उसके बाद आप जानते हैं करेला, ये हो गया आपको करेला का तरवा है इसमें। उसके बाद आप जानते हैं इसमें परवल का भी तरवा है, लेकिन परवल से ज़्यादा पसंद मुझे करेला का तरवा आता है। और साथ ही साथ आप जानते हैं यहाँ पे सारा सुविधा है, वो आपको लोहिया हो गया और छोलनी से सारा सामान किया जाता है। और बगल में देख रहे हैं रोटी बनाने के लिए जो मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं खपरी और तावा। खपरी कहा जाता है और तावा लोहे का बनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड और ब्लॉग्स वीडियो आज होने वाला है। और कल जैसे कि मेरा एक नया वीडियो आएगा, वो आपको एक चौरचन पर्व का वीडियो आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड और बड़े ही मज़ेदार से वह वीडियो आप लोगों के लिए शूट हो रहा है 1 से 2 रोज़ पहले में। चौरचन पर्व में क्या क्या होगा उसकी सारी डिटेल और वीडियो आप लोग को बनेगा। तो मैं चलता हूँ अब।